नमस्कार दोस्त प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी टॉप 5। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस प्रोग्राम में आप सभी को इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हलचल चल रही है, क्या बातें इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपके सुपरस्टार से जुड़ी वायरल हो रही है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप 5 बड़ी खबरें फटाफट आप सभी को बता सके, ताकि आपका भी समय बचे। खैर दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और खास करके उनका देसी अंदाज जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ देसी हीरो खेसारी लाल यादव के बारे में। देसी हीरो खेसारी लाल यादव ने उनका कल एक रिपोर्ट सामने आया था, एक कह सकते हैं उनका एक खबर सामने उनकी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आउट ऑफ इंडिया उन्हें जाना पड़ा। वैसे तो खेसारी आउट ऑफ इंडिया बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है, कह सकते हैं उनका इस तरीके का माइंड नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अपने एक सपने को पूरा करने के लिए उन्हें आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे खेसारी लाल यादव से जुड़ी ये खास जानकारी। भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव, बहुत कम ही ऐसा समय होता है जब वो अपने देश से दूर जाने की बात करते हैं, लेकिन इस बार अपना एक सपना पूरा करने के लिए खेसारी को भारत से दूर जाकर मॉरिशस जाना पड़ा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ खेसारी के साथ हुआ था, वे अपने शौक को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, और फिर खेसारी ने फैसला किया कि अगर जो वो अपने शौक को इंडिया में पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो इसके लिए विदेश की राह पकड़ेंगे। जी हाँ, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पहुंच गए मॉरिशस। जी हाँ, वे साइकिल के अपने शौक को पूरा करने के लिए मॉरिशस पहुंच गए थे, और साइकिल चलाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें खेसारी साइकिल को लेकर अपने शौक के बारे में बताते हुए नजर आए। जी हाँ, खेसारी ने कहा कि वो बचपन से ही साइकिल चलाने का उन्हें खूब शौक रहा है, लेकिन भारत में उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता था, इसलिए वो प्लेन में बैठ कर मॉरिशस साइकिल के शौक को पूरा करने पहुंच गए। वैसे खेसारी लाल यादव का कहना है कि उन्हें साइकिल को छुए करीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं। ऐसे में साइकिल चलाने में थोड़ी मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन उन्होंने साइकिल के जरिए ही मॉरिशस घूमने का फैसला किया है। वाकई में मॉरिशस जैसी खूबसूरत जगह को देखने के लिए साइकिल से बेहतरीन जरिया और कोई हो ही नहीं सकता। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से खेसारी लाल यादव सिर्फ एक साइकिल चलाने के शौक को पूरा करने पहुंच गए विदेश। भाई देखा जाए तो इन स्टार्स की बातें भी बड़ी अनोखी और बड़ी हटकर होती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो की फिल्म खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी आई लव यू के सेट से है। कहा जा रहा है इस फिल्म की कहानी को बताते हुए, इस फिल्म की कहानी को थोड़ा बहुत उजागर किया गया है, और खेसारी लाल यादव ने कह सकते हैं सिर्फ एक लाइन में इस फिल्म की कहानी को दर्शाने की कोशिश की, और कहा उन्होंने कि वो एक इस फिल्म में एक ऐसे बेटे का किरदार निभा रहे हैं जो कि अपनी माँ के सपने को पूरा करता है। अब ये खेसारी लाल यादव ने नहीं बताया कि आखिरकार सपना उनके रील की माँ का है या फिर रियल का, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो हम आपको दिखाते हैं अपने रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी आई लव यू के सेट से जो कहानी की बातें सामने आई हैं, जो इस फिल्म से जुड़ी जो कहानी है, वो किस तरीके से इसे दर्शाया जा रहा है, ये बातें सामने आई हैं, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टारों और अपनी गायकी से दर्शकों का दिल जीतने वाले खेसारी अपनी सारी फिल्मों से लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ते हैं। पहले के मुताबिक जैसे जैसे खेसारी को इंडस्ट्री में समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे खेसारी अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों को कुछ ना कुछ नया देने की पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में खेसारी अपनी फिल्म बलम लव यू की शूटिंग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। इस फिल्म में खेसारी का साथ दे रही हैं खूबसूरत अदाकारा काजल राघवानी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के सेट से हाल ही में खेसारी का एक इंटरव्यू देखने को मिला है, जिसमें खेसारी ने अपनी इस फिल्म से जुड़ी कहानी के कुछ पहलू को उजागर किया है। आप लोगों को इस फिल्म का नाम सुनने के बाद ऐसा लगा होगा कि ये पूरी फिल्म रोमांटिक कहानी है, लेकिन ये फिल्म रोमांटिक होने के साथ साथ इमोशनल कहानी से भी भरपूर है। दरअसल खेसारी ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि खेसारी इस फिल्म में एक माँ के सपनों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, खेसारी ने बताया कि हर माँ का अपने बच्चे से कोई ना कोई सपना जुड़ा होता है। इस फिल्म में भी मैं एक ऐसे बेटे का किरदार निभा रहा हूँ जो अपने माँ के सपने को पूरा करेगा। तो तैयार हो जाइए दर्शकों, क्योंकि अभी तक आपने खेसारी को एक अच्छे प्रेमी के रूप में देखा है, लेकिन पहली बार आप उन्हें एक अच्छे बेटे के रूप में भी देखने वाले हैं फिल्म बलम आई लव यू के जरिए।
तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से हमारे देसी हीरो खेसारी लाल यादव को उनकी जो फिल्म है इस समय पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। उस फिल्म को लेकर कई बार खेसारी ने भी इस फिल्म से जुड़ी कई जानकारी बताई है, तो कई बार काजल राघवानी ने लाइव आकर अपने दर्शकों से रूबरू होकर इस फिल्म के बारे में खासा जानकारियाँ साझा की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो खुद वो भी उसी फिल्म बलम जी आई लव यू के सेट से ही आई है। कहा जा रहा है जहां पर इस फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां पर इस फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए वहां पर लोगों की जो भीड़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म की शूटिंग इस समय पर गोरखपुर के किसी गाँव में हो रही है और इस बात की जानकारी काजल राघवानी ने दी थी। और अब इस फिल्म के लोकेशन पर, इस फिल्म के सेट के लोकेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, लाखों लोगों का तादाद वहाँ बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अब फिल्म का जो लोकेशन है शूटिंग का वो उसे चेंज किया जा रहा है, उसे चेंज करने की खबर सामने आई है। तो आपको दिखाते हैं आखिरकार किसके कहने पर और किस वजह से जो है पूरी खबर में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये जो फिल्म का सेट है उसे क्यों चेंज किया जा रहा है और अब फिल्म की शूटिंग जो है कहाँ पर होगी। देखिए हमारी खास भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी फिल्म बलम लव यू की शूटिंग गोरखपुर में अपनी जोड़ीदार हीरोइन काजल राघवानी के साथ कर रहे हैं। इस फिल्म में गोरखपुर के हाई पार्क में शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेसारी काजल की शूटिंग को देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ अभी इकट्ठा होने लगी है। हाल ही में खेसारी ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि यहाँ बच्चे उतना परेशान नहीं कर रहे हैं जितना कि बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें पार्क से हटाया जाता है तो वो जल्दी से हटते नहीं है। तो क्या लोगों की भीड़ से परेशान होकर खेसारी काजल या फिर फिल्म मेकर्स अपनी इस फिल्म की लोकेशन को बदल देंगे? खैर, देखने वाली बात तो ये है कि पार्क में भी खेसारी शूटिंग करते हैं तो फिल्म हिट हो ही जाती है। तो देखा आपने दोस्तों कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी आई लव यू की शूटिंग से बैक टू बैक एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसी खबरें हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। तो वहीं अगली खबर हम आ गए हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की कम समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई एक्ट्रेस निधि झा उफ लुलिया। जी हाँ, लुलिया का जहाँ गाना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा, उनका जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, तो वहीं अब उनको, उन्हें और यश कुमार मिश्रा जो कि एक्शन हीरो कहे जाते हैं, इन दोनों को लेकर, इन दोनों की खबरें एक साथ होने की, या यूं कह लें कि इन दोनों के बीच की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। कल ठीक इसी के साथ हमारी निधि झा ने, उर्फ लुलिया ने एक फ़ोटो शेयर की अपने इंस्टा पर, जो वो फ़ोटो बहुत कुछ दर्शा देता है। उस फोटो में ऐसी सिर्फ वो, उसमें यश कुमार और निधि झा एक साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फ़ोटो को शूट करवाया है वो बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत सारी बातें कहता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा फेमस हुई एक्ट्रेस लुलिया उर्फ निधि झा इन दिनों भोजपुरी के एक्शन हीरो यश कुमार मिश्रा के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे, निधि ने आज अपने इंस्टा पर अपनी और यश कुमार की एक फ़ोटो भी शेयर की है, जिस फोटो में दोनों ने एक जैसा ही ड्रेस पहन रखा है। जी हाँ, साथ ही कुछ समय पहले निधि यश कुमार के घर पर भी नजर आई थी, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई। वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस समय पर लुलिया और यश भले ही एक साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी दोस्ती की चर्चाएं हमेशा से रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। वैसे इस समय पर यश कुमार अपनी आने वाली फिल्म मेरी बिटिया की शूटिंग कर रहे हैं, तो वहीं निधि भी अपनी नई नई फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी भी चल रही हैं। लेकिन ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से मिलने का समय फिर भी ढूंढ ही लेते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से निधि झा और यश कुमार मिश्रा, इन दोनों के बीच की नज़दीकियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका क्या असर पड़ता है आगे इंडस्ट्री पर, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वहीं आगे बढ़ते हैं, जब यश कुमार मिश्रा की बात कर रहे हैं तो क्यों ना उनकी रियल हमसफ़र यानी कि उनकी पत्नी अंजना सिंह के बारे में ही बात किया जाए। कल सोशल मीडिया पर यश कुमार मिश्रा और अंजना सिंह की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 का एक बहुत ही शानदार गाना रिलीज़ हुआ, जहां पर इन दोनों रियल लव कपल की जो जोड़ी दिखाई गई है वो काफ़ी धमाकेदार है, काफ़ी शानदार तरीके से दर्शाया गया है। तो चलिए आप सभी को बिना इंतज़ार करवाए जो हमारे रियल लव कपल है, इनकी जोड़ी किस तरह से फिल्मों में भी सुपरहिट रह रही है, किस तरीके से फिल्मों में भी धमाल मचा रही है, ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए हमारी ये खबर। भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव की इस साल जिस फिल्म के सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उस फिल्म का नाम है दबंग सरकार। जी हाँ, क्योंकि जहाँ खेसारी की ये फिल्म हाई बजट की फिल्म है, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी के इस फिल्म का लगातार तीसरा टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया है, जिस टीज़र में खेसारी के एक्शन से लेकर इस
फिल्म में हीरोइन आकांक्षा अवस्थी और दीपिका त्रिपाठी का दबंग जलवा भी दिखाया गया। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के इस फिल्म के तीसरे टीजर में दोनों हीरोइनों की एक झलक दिखाई गई, जिनमें दोनों का लुक एक बार जो देखेगा उन्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। वैसे इस टीजर में जो दो हीरोइनों के लुक का जिक्र किया गया है वो एक गाने के जरिए है, जो गाने का जिक्र अभी से ही शुरू हो गया है कि खेसारी के इस फिल्म का ये गाना सबसे हिट साबित होगा। वैसे देखते हैं कि आखिर दोनों की हीरोइनों का जलवा भोजपुरी दर्शकों पर चल पाता है या फिर नहीं। यह बात तो पता तभी चलेगी जब वे फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को आगे ले जाने के लिए ना जाने कौन कौन से तरीके आजमा रहे हैं। कोई फिल्म को काफ़ी सुपरहिट करने में लगा है, तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे अनोखे काम कर दिए जा रहे हैं जिनके वजह से वो खुद ब खुद सुर्खियों में है। खैर दोस्तों, हमने कोशिश की कि हम आप सभी को सारी खबर तो नहीं, लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप 5 बड़ी खबरें होंगी वो हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए बता दें। लेकिन बाकी खबर को जानने के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े रहने के लिए, अपने सुपरस्टार से जुड़े रहने के लिए हमारे इस प्रोग्राम पे कमेंट लाइक शेयर कीजिए, जानकारी लेना चाहते हैं वो भी लिखिए, और साथ ही साथ आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल X9 न्यूज़ भोजपुरिया को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो फटाफट आप सभी तक पहुँच सके और कोई भी खबर कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।